नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर DTPLSB के द्वारा हाल ही में जो एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है, और अगर आप इस अपडेट को और इस पूरी प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोर दबाएँ, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर अपडेट के बारे में, तो जिनका भी एग्ज़ाम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच हुए हैं, तो इन सभी की जो आंसर की है ये DTPLSB के द्वारा जारी कर दी गई है। आप चाहे यहाँ पर देख सकते हैं, लेटर जारी हुआ है 6/10/2021 को, तो फाइनल आंसर की को लेकर जाए यहाँ पर ये लेटर जारी हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 31 अगस्त तक TSD कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फार्मेसी और टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल असिस्टेंट, TGT स्टेनोग्राफर, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 1 से लेकर 31 अगस्त तक जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सभी के आंसर की DTPLSB के द्वारा जारी कर दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में आए थे सिर्फ ये जो है उन्हीं के लिए ही जारी हुई है, तो वो जो अपने आंसर की को देख सकते हैं। और एक जो यहाँ पर इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि ये जो लिंक है जिसमें आप अपनी जो आंसर की है उसको देख सकते हैं, तो ये 6/10 से लेकर 10/10/2021 तक एक्टिव रहेगा, तो उस तारीख तक आप अपने आंसर की को देख पाएंगे, उसके बाद जो है आप अपने आंसर की को नहीं देख पाएंगे। तो आपको इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो अपनी आंसर की को देख सकते हैं। तो आप जब उस पेज पर चलते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो अब जब उस पेज पर आ गए हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये वही वाला पेज है जहां से आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। तो वैसे ही जैसे सेम प्रक्रिया रहेगी, यहां पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहां से लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपकी साइड में जो पर्सनल डिटेल दी गई होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन फॉरम और जो यहाँ पर साइड में ऑल का दिया गया होगा, तो वहाँ पर जो है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो आंसर की है आप उस पर पहुँच जाओगे। तो वहाँ पर जो आंसर की दिखाई गई है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की होगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और उसमें जो क्रीम कलर में जो आंसर दिए गए हैं वो DTPLSB के द्वारा सही आंसर माने गए हैं, और आप उसका मिलान तभी कर सकते हैं अगर आपके आंसर याद हों कि आपने कौन सा आंसर याद किया था, और अन्य कोई जो तरीका इसका नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का जो समाधान है ये ज़रूर किया जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर DTPLSB के द्वारा हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है आंसर की को लेकर। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।